नमस्कार मेरे प्यारे सभी बंधुओं एवं मेरे डीजे के सारे व्यापारी, आप सभी को बता दूं लगभग 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन से हम लोग सभी परेशान हैं अपने डीजे व्यवसाय को, रोजगार को लेकर। और 15 दिन हो गए हैं हमें लोगों को ज्ञापन, अपनी विपत्तियां आपत्तियां बताते हुए। इन 15 दिनों में कोई भी अभी निष्कर्ष नहीं निकला है। निष्कर्ष निकला है तो सर ये कि हम आज भी परेशान हो रहे हैं, आज भी काम करने के लिए उत्सुक हैं और आज भी हम अपने काम के प्रति लेकर काफ़ी सजग हैं। अब बात आती है कि हम काम करें या नहीं करें, बुकिंग करें या नहीं करें, क्योंकि बुकिंग तो लोगों ने लेकर रखी है, एडवांस लोगों ने लेकर रखा है, तो काम करने में दिक्कत आ रही है। लोग गाड़ी नहीं निकाल पा रहे हैं और निकालेंगे कैसे निकालें, 2 डिब्बों की परमिशन है। अब 2 डिब्बों की परमिशन से लेकर हम सभी से मिले, 2 डिब्बे कोई मतलब के नहीं होते, 2 डिब्बे मतलब नॉर्मल साउंड, नॉर्मल डीजे नहीं कहलाता, 2 डिब्बे में डीजे कहलाता ही नहीं पहली बात तो। अब सरकार द्वारा इन 15 दिनों में कोई भी गाइडलाइन नहीं आई हमारे लिए, कोई भी सरकार ने अलग से रोजगार की व्यवस्था नहीं करी, सरकार ने कोई दूसरा रास्ता निकाला ही नहीं, सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी। अब सरकार को लाने वाले कौन? हम। सरकार ने सोच लिया है कि भाई हमें अब इन लोगों से 2 डिब्बों में ही काम करवाना है, और हमने सोच के रखा कि हम 2 डिब्बों में काम करना चाहते नहीं है। इसका एक ही निचोड़ निकाला है, तोड़ निकाला है, तोड़ बोल रही है। तोड़ ये है कि अब हम इसको जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, इसमें याचिका लगाते हैं। भोपाल लेवल से नहीं, MP लेवल पे लगाते हैं, मध्य प्रदेश समस्त डीजे एसोसिएशन के नाम से लगाते हैं, और ये लगाने में लगभग 2 से 2.5 महीने का टाइम लगेगा। इस समय पीरियड में हम काम कर सकते हैं नहीं, इसका भी प्रावधान हम रखेंगे। और आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने जिला स्तर पर आप प्रयास करें, हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे हैं। हम भी डेली CM साहब के हम अंगले बजाते हैं, 4 लोग मिलकर सुबह से उठते हैं, परेशान होते हैं, इसीलिए होते हैं कि हम भाई हमारा भी सीजन है, हमें भी काम करना है, पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो आखिरी निष्कर्ष यही कि हम अपना पक्ष सरकार के लिए अपना पक्ष रखें और सरकार को चुनौती देते हुए हम अपना केस लड़ें, अपने हक के लड़ें। भाई हमारे भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, हमारे भी कुछ राइट ऑफ एक्ट है, हमें भी आज़ादी चाहिए अपनी समाज परिवार को पालने के लिए। भाई कैसे परिवार पालेंगे, हम सभी यह काम करते हैं, लोग दूसरा काम करते हैं, वो उनका मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार, हम डीजे काम करते हैं और हमें इसका पूरा हक होना चाहिए। अपने हक के लिए हम सरकार को चुनौती देंगे, अपने हक के लिए हम सरकार से उसके फैसले के आगे लड़ेंगे। आप सभी तैयार हैं, आप सभी राजी हैं तो मुझे बताएं, मैं आगे बात करूंगा। वकीलों से मेरी बात हो गई है, हमारा पैनल पूरा वकीलों से मिला है, पैनल ने बात रखी है। अब सिर्फ आप लोगों की बारी है, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आपकी राजी है, कोई सलाह कोई मशवरा देना चाहता है तो आप मुझे WhatsApp के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से फ़ोन लगाकर दे सकते हैं। बस मैं आज नहीं कहना चाहूँगा, आप सभी लोग थोड़ा धैर्य बना रखें,